होटल्स में पहले भी मैंने कई बार स्टे किया है, बट कभी फ्रेंड से इस तरह का कोई स्कैम नहीं हुआ। चलिए देखते हैं इस होटल का कुछ अलग ही सीन है, पेमेंट को लेके क्या इश्यू आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? नहीं चलो कोई बात नहीं, चीज़ें पहले बता देनी चाहिए, तो हिडन चीज़ें होती हैं। आप 10% के अगर 20% जोड़ लो। अब हम लोग भी तो इतने होटल्स वगैरह में स्टे करते हुए आ रहे, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। इससे पहले भी हम यहाँ पोखरा पे रुक चुके हैं, कल रात में बुटवल में स्टे किया था, बट इस तरह का हिडन चार्जेस तो था ही नहीं कुछ। तो पोखरा में लेक साइड पे ये होटल था, होटल का नाम था होटल पारिजात। हमने 2 रूम रेंट किए थे, तो 2 रूम का 2000 हो गया। उसके बाद ये इंडियन थाली, इस पर भी इन्होंने सीन किया था। हमने चिकन बोला था, तो चिकन के नाम पे ये रोटी सब्जी दाल और साइड में 2 पीस चिकन के लगा के लेके आए थे। इसके बाद हमने 5 रोटी अलग से ऑर्डर की थी, तो उसका 200 हो गया। 4 मिल्क टी ऑर्डर की थी, 160। चिकन मोमो हमने 2 प्लेट मंगाए थे, तो 500 उसका हो गया। और 2 वाटर बॉटल थी। तो फाइनली इनका बिल देख लेते हैं। तो जो इनका बिल था वो था 4740, इस पर 10% सर्विस चार्ज या सरप्लस चार्ज जो भी जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपके होटल में किसी भी तरह के कोई एडिशनल चार्जेस हैं तो आप पहले उसे बता दीजिए। और इससे पहले भी हमने वहाँ पे स्टे किया था दूसरे होटल में, तो वहाँ इस तरह का कोई भी चार्जेस नहीं था। मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दूसरे लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें ना